नमस्कार सत्यराम, मेरे रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्याज के पराठे बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कटोरी प्याज, और मैंने लिए यहाँ पर 1 हरी मिर्ची और 1 बड़ी शिमला मिर्ची मैंने यहाँ पर लिए। मसाले हमें चाहिए, और आप यहाँ पर दही का उपयोग कर सकते हो। मैं यहाँ पानी से आटा लगाऊंगी। तो मैंने ये देखिए, सबसे पहले प्याज इसमें डाल दिए हैं। मिर्ची स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप हरा धनिया भी डाल सकते हो। ये देखिए, मार्केट में ये अवेलेबल है कसूरी मेथी। सौंफ मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ अजवाइन और जीरा भी आप ले सकते हो। नमक मैं ले रही हूँ स्वाद अनुसार, आप इसमें सूजी भी मिला सकते हो। हल्दी पाउडर मैं ले रही हूँ करीबन, ये देखिए छोटी चम्मच आधी। लाल मिर्ची स्वाद अनुसार मैंने आधी चम्मच ली है, क्योंकि हरी मिर्ची हमने यहाँ पर डाली है। हींग मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप चाहो तो गरम मसाला और जो पिसा हुआ धनिया होता है वो, जीरा पाउडर आप डाल सकते हो। हरे धनिए की पत्ती भी आप डाल सकते हो। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर आप 2 चम्मच दही का उपयोग भी कर सकते हो। मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। देखिए, यहाँ पर आप 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल सकते हो, रिफाइंड तेल, और घी का उपयोग भी आप कर सकते हो, बट मैं अवॉइड कर रही हूँ। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी डाला है थोड़ा सा। देखिए, इस तरीके से मैं आटे को गूंथूंगी, एक डो तैयार करूंगी। इस प्याज की रोटी का दूसरा नाम कॉकी भी है, इसे कॉकी भी बोलते हैं कई लोग। आप इसको हरे धनिए की चटनी, नारियल की चटनी, पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। चाय के साथ आप ले सकते हो, दही के साथ आप खा सकते हो, और आप बच्चों को सॉस से भी सर्व कर सकते हो। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मैंने डो लगाया है। देखिए, आप थोड़ा थोड़ा लेके लगा सकते हो, आपके हाथ में दर्द नहीं होगा इससे। ये करीब करीब मेरा डो तैयार हो चुका है। देखिए, देखिए, थोड़ा सा मैं तेल ले रही हूँ इस तरीके से। यहाँ मैंने घी लिया है, आप तेल भी ले सकते हो। देखिए, इस तरीके से पूरे आटे के चारों तरफ हमने घी लगा दिया है, और अब 10 या 15 मिनट के लिए हम इस आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम हमारे पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, आटा हमारा हो गया है, गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है। इसका एक पोर्शन मैं तोड़ूंगी। देखिए, ये देखिए प्याज, और इस तरीके से मैं एक लोई बना लूंगी। ये देखिए, ये मैंने लोई बना ली है, और अब हम इसको बेलेंगे। ये आटा मैं लगा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से मैं हमारी
पराठे को हम बेल रहे हैं। आप इस तरीके से हाथ से कर दीजिएगा तो एकदम गोल बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। देखिए तवा हमारा हो गया है। अब हम तवे पे हमारी जो पराठा है, जो रोटी हमने बेली है, वो हम डाल रहे हैं। ये देखिए ये हमारा सिकेगा। तब तक हम दूसरी लोई तोड़कर और पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। जब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बूंद बूंद आ जाएगी तब हम इसको पलटेंगे। देखिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा पराठा सिका कि नहीं सिका। इसके लिए इसको हम दूसरी तरफ से उलट देंगे। ये देखिए पीछे की तरफ से सिक चुका है। अब हम घी लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर रिफाइंड तेल का भी आप उपयोग कर सकते हो। गैस को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। पहले हमने सिम पर चला रखा था ताकि पराठा हमारा अच्छे से सिक जाए। बहुत ही टेस्टी है पराठा हमारा बनने वाला है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से ये देखिए आलू मेशर की सहायता से आप इसको दबा सकते हो ताकि उधर से अच्छा गोल्डन ब्राउन सिक जाए। बट मैं यहाँ देखिए कलछे का उपयोग कर रही हूँ। कलछा यानी पलटा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा इधर की तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। देखिए आप चाहो तो इसमें इस तरीके से आप छेद भी कर सकते हो, कांटे की सहायता से भी आप कर सकते हो ताकि अच्छे से सिक जाए। तो पराठा हमारा सिक चुका है और अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। आप इसको और गोल्डन ब्राउन करना चाहो तो और सेक सकते हो। और घी आपका अगर साइड में जाके इकट्ठा हो जाता है तो आप तवे को इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप इसको घी को बीच में ला सकते हो। देखिए इस तरीके से ऐसे टेढ़ा करके। अब हम देखते हैं कि हमारा उबले की तरफ से पराठा सिका कि नहीं सिका। ये देखिए कितना मस्त हमारा कलर आया है। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए गैस को मैं सिम कर रही हूँ। और इसी तरीके से जो मैंने दूसरा पराठा बना के तैयार किया है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। देखिए और इसी तरीके से मैं अपने सारे पराठे सेक के तैयार कर लूँगी। घी मैंने लगा दिया है इधर की तरफ और अब हम इसको उलटेंगे। देखिए अब इधर की तरफ भी मैं घी लगा रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैं थोड़ा सा मीडियम कर रही हूँ। लो मैंने कर रखा था इतनी देर ताकि हमारा पराठा अच्छे से सिक सके। और अब मैं इस पलटे की सहायता से इसको दबाते हुए पीछे की तरफ से सेक रही हूँ। ये देखिए गाइस ये पराठे बनके हमारे तैयार हैं। और देखिए कितने गुड लुकिंग ये लग रहे हैं। देखते ही खाने का मन करने लगेगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैं ये देखिए टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप कोई सी भी चटनी या दही के साथ, चाय के साथ आप ले सकते हो। देखिए ये देखिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे ये पराठे आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज़।